हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में टैली का चैप्टर नंबर 3 जिसमें लेज़र और ग्रुप को एक्सप्लेन किया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लेज़र के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। लेज़र एक प्रकार की मद होती है जिसके द्वारा बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी एंट्री की जाती है। लेज़र 3 कैटेगरी के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनिकल अकाउंट। लेज़र बिजनेस में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। जो लेज़र जिस तरह बिहेव करता है उसी तरह उसका ग्रुप्स बना दिया जाता है। इट मीन्स बिजनेस में जो लेज़र जिस नेचर का होगा वो लेज़र उसी ग्रुप के अंदर आएगा। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर टोटल 28 प्रकार के ग्रुप होते हैं, जिसमें से 15 ग्रुप प्राइमरी होते हैं और 13 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं जिसे सब ग्रुप के नाम से जानते हैं। और यूजर को आवश्यकता हो तो वो नए ग्रुप्स का निर्माण भी कर सकता है। ग्रुप इट मीन्स सेम प्रकृति के लेज़र के समूह को ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट टेबल में आपको एक तरफ इसके लेज़र दिए हुए हैं और आगे उसका ग्रुप दिया हुआ है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक्सप्लेनेशन समझना होगा। सबसे पहला आता है कैपिटल। कैपिटल वो पूंजी होती है या वो माल होता है जो बिजनेस स्टार्ट करते समय बिजनेसमैन के द्वारा लगाया जाता है, या व्यापारी व्यापार प्रारंभ करते समय जो भी माल या पैसा लगाता है वह कैपिटल कहलाता है। दूसरा ड्राइंग, व्यापार में बिजनेस का मालिक व्यापार से जो भी माल पैसा या संपत्ति निजी प्रयोग के लिए लेकर जाता है स्वयं के उपयोग के लिए, वो ड्राइंग अकाउंट में लिखा जाता है। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर, लेनदार, ऐसी पार्टी या ऐसी फर्म्स जिनसे उधार माल खरीदा जाता है वह सन्ड्री क्रेडिटर कहलाती है। नेक्स्ट सन्ड्री डेबिटर, ऐसी पार्टी जिनको उधार माल बेचा जाता है वो सन्ड्री डेबिटर में लिखी जाती है। नेक्स्ट स्टॉक, बिजनेस के अंदर जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है अर्थात जो वस्तु खरीदी व बेची जाती है वह स्टॉक के अंतर्गत आती है। स्टॉक दो तरह का होता है, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक बिजनेस स्टार्ट करते समय जो माल होता है या वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जो भी बिजनेस में माल होता है उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और वित्तीय वर्ष के एंड में जो भी बिजनेस में माल होता है उसे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंसेस, खर्चे, वो खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं। खर्चे दो कैटेगरी के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है तो दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए कंपलसरी होते हैं, अर्थात बिजनेस में माल खरीदने में और वस्तु को बनाने में जो भी खर्चे होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वस्तु की कॉस्ट को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं इसलिए इन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वस्तु को बेचने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं या ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं, जैसे पानी का बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, सैलरी, रेंट, कमीशन आदि। नेक्स्ट इनकम, बिजनेस में इनकम दो तरह की होती है। इनकम जिससे बिजनेस प्रॉफिट होता है, इनकम डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के नाम से होती है। डायरेक्ट इनकम जिस वस्तु का बिजनेस करते हैं या माल बेचने से आपको जो इनकम प्राप्त होती है वो डायरेक्ट इनकम के अंदर आती है, और दूसरी इनडायरेक्ट इनकम होती है बिजनेस की, जैसे किसी से डिस्काउंट लेना, कमीशन लेना, इंटरेस्ट लेना, रेंट लेना, ये सब बिजनेस की इनडायरेक्ट इनकम होती है। बिजनेस की संपत्तियां, असेट्स,
बिजनेस की असेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक फिक्स असेट्स और एक करंट असेट्स। असेट्स व्यापार का एक मुख्य भाग होता है जो व्यापार के प्रॉफिट और लॉस को इफेक्ट करता है। असेट्स ऐसी संपत्तियों को कहा जाता है जो कि व्यापार में चल रही है और या फिर स्थायी रूप से विद्यमान है। सबसे पहले फिक्स असेट्स स्थायी संपत्ति, ऐसी संपत्तियाँ जिसका उपयोग बिजनेस में एक लंबे समय तक किया जाता है। इसका प्रयोग भविष्य में उत्पादन या सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन्हें सामान्य बेचा नहीं जाता, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी आदि। दूसरी असेट्स करंट असेट्स होती है, जिसे अपन चल संपत्ति कहते हैं। ऐसी संपत्ति जो कि बिजनेस में स्थायी नहीं होती और किसी भी समय कैश में बदल जाती है, जैसे इंश्योरेंस, लाइव स्टॉक, सन्डरी डेबिटर, बैंक इन्वेस्टमेंट आदि, ये सब करंट असेट्स में काउंट होती है। नेक्स्ट लाइबिलिटीज़, ये बिजनेस में वो लाइबिलिटीज आती है जो बिजनेस को देने हैं, यानी कंपनियों को चुकाने हैं। जैसे किसी का टैक्स चुकाना है, कोई लोन का पैसा चुकाना है या किसी का सैलरी चुकानी है, ये सब बिजनेस की लाइबिलिटीज़ होती है। नेक्स्ट लोन, व्यापार में किसी व्यक्ति या संस्था से जो उधार पैसा लिया जाता है उसे लोन कहते हैं। यह लोन दो प्रकार का होता है, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन, जब किसी से लोन लेते समय सिक्योरिटी के तौर पर बिजनेस की संपत्ति के डॉक्यूमेंट या बैंक गारंटी दी जाती है तो वह सिक्योर लोन होता है। अनसिक्योर लोन, जब बिना सिक्योरिटी के कोई लोन लेते हैं तो वह अनसिक्योर लोन कहते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस, नगद पैसा, मशीनरी, माल, फर्नीचर, देनदारियां, लेनदारियां आदि, जो कि व्यापार प्रारंभ करते समय या वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध होती है, वो ओपनिंग बैलेंस कहलाती है। हर साल का अंतिम बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है। अब इसके बाद इस टेबल को एक्सप्लेनेशन समझते हैं। जैसे इसमें एक तरफ लेज़र दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका ग्रुप दिया हुआ है। लेज़र में सबसे पहला आता है कैपिटल और ड्राइंग, इन दोनों का एक ही ग्रुप होता है, वो कैपिटल के नाम से जाना जाता है। कैश का ग्रुप कैश इन हैंड होता है, बैंक का ग्रुप बैंक होता है। परचेज और परचेज रिटर्न, परचेज मीन्स माल खरीदना, परचेज रिटर्न मीन्स खरीदा हुआ माल वापस लौटाना, इन दोनों का एक ही ग्रुप होता है परचेज। सेल और सेल्स रिटर्न, सेल का मतलब माल बेचना, सेल्स रिटर्न का मतलब बेचा हुआ माल वापस आना, इन दोनों का एक ही ग्रुप होता है सेल्स। एनी नेम व्हेन परचेज, इट मींस ऐसी पार्टी जिनसे उधार माल खरीदा जाता है वह सन्ड्री क्रेडिटर कहलाती है। ऐसी पार्टी जिनको उधार माल बेचा जाता है वो सन्ड्री डेबिटर कहलाती है। असेट्स, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर कार, प्लॉट, बिल्डिंग, ये सब फिक्स असेट्स होती है। इसके अलावा इंश्योरेंस एडवांस में देना किसी को, कहीं पर भी पैसा इन्वेस्टमेंट करना या प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब करंट असेट्स के अंदर काउंट होते हैं। स्टॉक, स्टॉक को ग्रुप स्टॉक इन हैंड भी रखा जा सकता है या फिर करंट असेट्स भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, रॉयल्टी, कस्टम ड्यूटी, डक चार्ज, कैरीज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। इसके अलावा जो भी खर्चे होते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी, पोस्टेज, बैड डेब्ट्स, पैसा डूब जाना, लॉस बाय फायर, आग से नष्ट हो जाना, लॉस बाय थीप, चोरी हो जाना, चैरिटी, दान में देना, फ्री सैंपल, सैंपल के तौर पे देना, एडवर्टाइजमेंट खर्चे, बैंक चार्जेस खर्चे, कन्वेंस खर्चे, रिपेयर मेंटेनेंस खर्चे, डेप्रिसिएशन खर्चे, लाइसेंस फीस खर्चे, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, पैकिंग खर्चे, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, ये सब इनडायरेक्ट इनकम होती है। इसके बाद जो भी कैटेगरी के टैक्स होते हैं, जितनी भी कैटेगरी के टैक्स होते हैं वो सब ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रखे जाते हैं, जैसे TDS, TCS,
SGST, CGST, IGST एंड UGST, ये सब टैक्सेस ड्यूटीज एंड टैक्सेस में काउंट होते हैं। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग, पिछले वित्तीय वर्ष की जो भी चीज़ बकाया होती है उसे आउटस्टैंडिंग के नाम से कहा जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग टैक्स, आउटस्टैंडिंग एनी मेंटेनेंस, इसका ग्रुप करंट लाइबिलिटीज़ में आता है। लोन फ्रॉम एनी पर्सन लोन लाइबिलिटीज़ में रखा जा सकता है। इस तरह इस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 जिसमें लेज़र और ग्रुप को एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद।